बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनकी माता, पिता, उनकी पत्नी, साथ ही उनके चचेरे भाई व क्षेत्रीय विधायक सुरेशर सिंह और वहां के स्थानीय ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद थे। करीब 2 घंटे के आसपास चली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आवाज पे पीड़ितों ने न्याय मांगा और कहा कि जिन्होंने मेरे बेटे की हत्या की है उनपे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि कल भी परिवार लगातार मांग कर रहा था कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव कार्रवाई होगी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और चूंकि परिवार बेहद गरीब है, जो पीड़ित परिवार है, तो उसकी आर्थिक मदद के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेशकश की गई है। 10 लाख रुपए की नगद धनराशि की बात की गई है, एक सरकारी आवास की बात की गई है। इसके अलावा चूंकि गरीब है, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है, आयुष्मान कार्ड वो बनाने की बात की गई है। साथ ही शौचालय देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी को लेकर के भी बातचीत की गई है, क्योंकि परिवार के हिसाब से क्या पढ़ाई लिखाई थी उस हिसाब से जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया है और जल्दी ही इस बारे में भी चीजें स्पष्ट कर दी जाएंगी। यार इस सरकारी नौकरी, आर्थिक मदद के साथ साथ आवास, स्वास्थ्य की बात मुख्यमंत्री की तरफ से देने की गई है। काफी देर तक मुलाकात की गई, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो परिजन थे, जो हिंसा में मारे गए जो पीड़ित परिवार के लोग मुलाकात करने आए थे मुख्यमंत्री से, वो निकल करके बहराइच जा चुके हैं। विधायक, सांसद, स्थानीय नेता, वो 4 लोग ही परिवार के सदस्य। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो मीडिया से दूरी बनाए, किसी से बात नहीं हुई, गाड़ी में बैठ के चले गए, शीशे तक नहीं खोले। एक तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री कार्यालय से संकेत है कि मीडिया से उस तरीके की बात न निकले या कोई स्थिति और आगे बढ़े, और क्या बयान निकल जाता है इसको लेकर के लगता है कि संयम बरतने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि इतनी मदद करने के बाद भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। विधायक पीड़ित परिवार को लेकर के फिलहाल बहराइच के लिए निकल गए हैं और उनकी तरफ से जो उनके साथ में ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री ने मदद का आश्वासन दिया है और अपराधियों पे हर संभव कार्रवाई की बात की है। साथ ही जो अधिकारी दोषी होंगे, जो लापरवाही बरते हैं, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस पे भी जो दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच हिंसा में मारे गए पीड़ित परिजनों के परिजन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के भाई जो राम गोपाल जी के भाई हैं, आप लोग आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या रहा मुलाकात के दौरान? मुलाकात के दौरान हमें जो कहना था हमने उनसे कहा। क्या कहा? यही कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? कैसी, जैसी जैसा काम उन्होंने किया वैसी सजा चाहिए उनको। एनकाउंटर, बिल्कुल एनकाउंटर होना चाहिए। और घर पे बुलडोजर वगैरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बातचीत हुई सीएम से? अब जितनी बातचीत होनी थी वो तो हुई उनसे। सीएम की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? जो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया उससे हम संतुष्ट हैं। क्या कोई आर्थिक मदद भी की? बिल्कुल बिल्कुल, सारी बात की गई, सबसे हम संतुष्ट हैं। बस इतना पैसा देने की बात, घर देने की बात उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे हम संतुष्ट हैं। मुलाकात के दौरान कौन कौन साथ में था परिवार के? सब लोग थे, हम थे, हमारी भाभी हैं, हमारी माता श्री हैं, हमारे ताऊ जी हैं। कितनी देर मुलाकात हुई? लगभग लगभग आधे घंटे। आधे घंटे तो सीएम ने हर वो कार्रवाई करने की बात की। हाँ हाँ, अधिकारियों की लापरवाही की भी बात सामने आ रही है, कार्रवाई की मांग की आपने? हाँ बिल्कुल की। किसकी है? जो अपराधी है उसके लिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, तो पीड़ित परिवार जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद अब बहराइच जा रहा है। मुख्यमंत्री से अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने कहा जैसे मेरे भाई के साथ हुआ है वैसे अपराधियों के साथ होना चाहिए, और साथ ही सीएम को सारी बातें बताई है और सीएम ने कहा है कि हर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।